एमवी एस्टर है ये, तो देखिए ये चाबी से स्केच किया है, ये जो स्केच देख रहे हैं गाड़ी में इस गाड़ी में स्केच हुआ है चाबी से। ये क्या होता है, आप लोग कोई जगह पे पार्किंग लगा दिया तो उस जगह पे पार्किंग एरिया नहीं है, तो क्या करते हैं कुछ आदमी लोग चाबी से ऐसा करके बगी कर देता है, तो चाबी से किया है। तो इसका सही प्रोसेस क्या है, ये कैसे ठीक होगा, ये आप लोगों को जानना जरूरी है। स्केच कुछ लोग इतना आसान नहीं है ठीक करने के लिए। आप लोग क्या करते हैं इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा एक पेपर लेंगे और इसके ऐसा करके घस के इस पर पुट्टी लगा देंगे, क्योंकि इसका सही प्रोसेस ये नहीं है, इसका सैंडिंग ये सही प्रोसेस नहीं है, ये आप लोगों को जानना जरूरी है जिसका सही प्रोसेस क्या है। आप लोग हमेशा याद रखना है, ऐसा करके घस के पुट्टी लगा देंगे तो वहाँ पे जब कलर करेंगे तो देखना कलर उखड़ के चला आएगा, वहाँ पर कलर रहेगा नहीं, फूल जाएगा कलर, देखना पापड़ी जैसा उठ के चला आएगा। तो इसका सही प्रोसेस क्या है ये आप लोगों को जानना जरूरी है। तो जिसको देखना है तो वहाँ पे करेंगे हम लोग। तो इसके सेम प्रोसेस क्या है, एक 300 पीस पेपर लीजिए, 300 पीस पेपर लेके जो दागी है, देखिए हम लोग जैसा करके सैंडिंग किया है हमने, तो आप लोग भी ऐसा करके सैंडिंग कीजिए। देखिए इसका सैंडिंग का प्रोसेस देखिए, एक एक दागी ऐसा करके सैंडिंग लेना पड़ेगा आप लोगों को, तब जाके आप लोगों का इसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। नहीं तो आप लोग जितना उसमें पेपर देकर हाथ से घोसिए आप पुट्टी लगाए, उसका प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होगा। तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप लोगों को जो प्रोसेस से मैंने सैंडिंग किया है, आप लोग इस प्रोसेस को अप्लाई कीजिए, एक बार अप्लाई करके एक बार देखिए ये कैसा हुआ। तो देखिए पूरा सैंडिंग करके पूरा जो दरवाज़ा है हमने इसको मिला दिया है 300 पेपर से। तो देखिए आज ज़्यादा पुट्टी नहीं लगता है इसमें, हर जगह में पुट्टी नहीं लगता है, जो जगह में पुट्टी चाहिए उस जगह में 1 से 2 टन पुट्टी चाहिए। तो आप लोग देखिए कितना अच्छा से हमने इसको मिला दिया है अभी, तो आप लोग भी ऐसा करके मिलाइए। हर जो दागी है हर दागी को हमने देख देख के अच्छा से सैंडिंग करके मिला दिया। तो ये है इसका मेन प्रोसेस, तो एक बार देखिए। और आप लोग जैसा करके करते हैं स्केच करके हल्का घर से पुट्टी लगा देता है, वो प्रोसेस ठीक नहीं है, इसमें वो प्रॉब्लम सॉल्व कोई भी नहीं होगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो को देखिए, पूरा जो गाड़ी है गाड़ी का हमने पूरा एकदम नया जैसा कर दिया है, तो उसका प्रोसेस देखना है। तो पहले से आप लोग फॉलो कीजिए, जैसा कि मैंने इसका सैंडिंग किया है, देखिए पहले इडीकोट फिल फाइम आर की कलर सैंडिंग किया है, देखिए एक एक सैंडिंग अच्छा से हमने कर दिया है। फिर आप लोग क्या करेंगे इसमें, याद देखिए थोड़ा क्लीन कर लीजिए अच्छा से, देखिए यार देखिए अच्छा से क्लीन कर लीजिए, जैसा कि मैंने किया है आप लोग भी कीजिए, आप लोग भी क्लीन अच्छा से कीजिएगा। तो देखिए मेरा कंप्लीट है। तो इसमें अभी क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग अभी पुट्टी जो है जगह पे जगह ज़्यादा गड्ढा है उसमें हम लोग बॉडी फिलर भर दिया है। देखिए ये सब जगह पे ज़्यादा था डेंट, तो इसमें बॉडी फिलर दिया है, जहाँ पे इसका थे वहाँ पे बॉडी फिलर नहीं दिया, देखिए जो दो जगह में डेंट था वहाँ पे हम लोग बॉडी फिलर भर दिया है। तो अभी पुट्टी भरेंगे हम लोग, देखिए तो देखिए जहाँ पे बॉडी फिलर लगा पहले वहाँ पे पुट्टी भरी है, फिर इसका से पुट्टी देंगे। देखिए हल्का सा पतला करके टानिए इसके हाथ में, देखिए। तो इसका सॉल्यूशन यही है, जैसे अगर सैंडिंग जरूरी है कलर का, तो देखिए हर जगह हम लोग पुट्टी भरेंगे। देखिए इस दरवाजा में हम लोग जहाँ पे सैंडिंग किया है पुट्टी नहीं भरेंगे, डायरेक्ट पाइमा मारने से हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 300 पीस से अच्छा से सैंडिंग किया है। तो 300 पीस से अच्छा से सैंडिंग करने से आप लोगों को जरूरी नहीं है उसमें पुट्टी भरना उतना। तो आप लोग देखिए फेंडर में हमने इस पर पुट्टी भरा है, देखिए जहाँ पे लागी था वहाँ पे भी पुट्टी हमने भर दिया, देखिए तो देख के पुट्टी भरी है। हर दागी में हम लोग पुट्टी पहले टनाए, देखिए जैसा कि मैंने पुट्टी इसमें टान रहा हूँ, तो आप लोग भी टनिए अच्छा से। और देखिए तो देखिए हर गड्ढा हम लोग पुट्टी भर रहे हैं। तो इसका सही सलूशन यही है, जो जैसा करके मैंने किया है इसमें पुट्टी मेकअप, तो आप लोग भी ऐसा करके पुट्टी मेकअप कीजिए, तब जाके आप लोगों को इसका जो गाड़ी ने स्केच किया था उसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो देखिए पुट्टी हम लोग मेकअप कर रहे हैं अभी, देखिए इसका सॉल्यूशन यही है, ऐसा करके आप लोगों को मेकअप करना चाहिए। आप लोग एक बार करके देखिए,
तो जब भी कलर बनेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। तो देखिए पुट्टी अच्छा से भरा है हमने, तो आप लोग भी भरिए अच्छा से पुट्टी। तो नीचे का दरवाजा जो है इस पर भी मेकअप किया है हमने, देखिए। तो देखिए, और आप लोगों को जानना है तो कमेंट में बताइए पुट्टी के बारे में, तो कम के बारे में। तो देखिए ये हर जगह में हम लोग पुट्टी मेकअप करेंगे अच्छा से। देखिए आइए, टुकड़े पुट्टी है, पॉलिस्टर पुट्टी है, बाइलेक्स नहीं दिया है हमने, डायरेक्ट टुकड़े पुट्टी लगाया हमने। बाइलेक्स पुट्टी लगाने से क्या होता है, और लास्टिंग कम होता है और सैंडिंग के लिए टाइम लगता है, और उसमें जो ग्लेज जो गाड़ी का है ग्लेज उतना नहीं आएगा। तो देखिए हर जगह में हम लोग पुट्टी अच्छा से मेकअप किया है, तो आप लोग देख के कीजिएगा पुट्टी मेकअप, कोई जगह पे छूटना नहीं चाहिए। तो गाड़ी में पूरा एक साइड डिस्कस हुआ था, तो पूरा एक साइड में हम लोग पुट्टी एप्लीकेशन करेंगे। देखिए और पुट्टी को ज़्यादा मोटा करके मत टनिएगा, थोड़ा पतला करके टनिएगा, क्योंकि टोल तो नहीं है ना, ज़्यादा इसका से इसलिए मोटा करके पुट्टी नहीं चाहिए हम लोगों को। आप लोग थोड़ा पतला करके पुट्टी टनिएगा, इसमें कोई टोल नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ इसका से सिर्फ कलर का साथ मैचिंग होना चाहिए। तो कलर गस्ते से क्या होता है, ज़्यादा गड्ढा हो जाता है छोटा में, तो इसे पुट्टी भरी है। तो देखिए अब पुट्टी भरा है अभी, तो देखिए हर जगह में अच्छा से मेकअप करेंगे हमने। अब लोगों को लगता है इसमें ज्यादा पुट्टी है, ज्यादा पुट्टी नहीं है। तो देखिए इस दरवाजे जो मिडिल पोजीशन है, मिडिल पोजीशन में हम लोग पुट्टी नहीं भरेंगे, उसको डायरेक्ट पैमा मन से हो जाएगा। तो देखिएगा हम लोग, तो देखिए पुट्टी पूरा हम लोगों का मेकअप है कम्प्लीट है। तो अभी क्या होगा, इसमें सैंडिंग का प्रोसेस होगा। तो सैंडिंग के लिए क्या चाहिए, तीन पेपर चाहिए। तो कौन सा पेपर चाहिए ये आप लोगों को देखना है, एक बार जरूरी है। तो पहले आप लोग क्या करेंगे, पेपर का पहले आप लोग ड्राई कोट लगा लीजिए। देखिए पेपर का पहले आप लोग ड्राई कोट लगा लीजिए, और 80 नंबर गोल्डिस पेपर लीजिए और हल्का से आप लोग सैंडिंग कर दीजिए। देखिए तो देखिए 80 नंबर गोल्डिस पेपर से हम लोग इसमें सैंडिंग कर देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि पुट्टी ज़्यादा नहीं है। तो मैसेज से पहले सैंडिंग कीजिएगा आप लोग। तो सैंडिंग देखिए हर जगह में हम लोग सैंडिंग करेंगे, पहले दो पैरल करके करेंगे हम लोग, जिससे पुट्टी का सैंडिंग है। तो देखिए जहाँ पे जहाँ पे ड्राई कोट हट गया तो हम लोगों को मालूम चल जाएगा जो हम लोगों का सैंडिंग कॉम्प्लीट है 80 नंबर का पेपर का। तो अभी चाहिए इसमें कौन सा पेपर फाइनल कटिंग के लिए, देखिए एक बार फॉलो कीजिए। तो ये 320, तो फिर 320, 180 और 120, ये तीन पेपर चाहिए आप लोगों को फाइनल कटिंग के लिए। पहले 120 जाएगा फिर 180। तो देखिए ये 120 पेपर है, ये पहले 120 फाइल से हम लोग सेंडिंग करेंगे। देखिए पहले हम लोग 120 फाइल से सेंडिंग करेंगे अच्छा से। देखिए तो देखिए हर जगह में देख के कीजिएगा सेंडिंग आप लोग। तो देखा जाएगा मैंने क्या है सैंडिंग, आप लोग भी कीजिएगा। तो इसमें एक लाइन कॉच है, कॉच को निकलने के लिए आप लोग मास्क के देखिए पहले एक बार उस लाइन को बना लीजिए। तो देखिए मास्क के देखिए, फिर उसमें 180 के बाद देखिए सैंडिंग कीजिए। आप लोग देखना कितना अच्छा से इसमें लाइन कॉच और बढ़िया से आ जाएगा, वो आप लोग देखिएगा प्रोसेस को। तो देखिए फॉलो कीजिए,
चुकी है, हर जगह में हम लोग देख के सेटिंग कर रहे हैं अच्छा से। तो सेटिंग इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है हम लोगों को, क्योंकि इसमें आप लोग जानता ही जाए इसका से, तो इसका तो कैसे कंप्लीट होता है तो देखिए पहले, तो एक एक प्रोसेस को आप लोग देखिए। तो हैंडवॉल लगे, थ्री एम के हैंडवॉल लगे, 120 फाइल पेपर देते, फिर 180, तो तीन पेपर चाहिए सेंडिंग के लिए। तो जैसे कि मैंने किया सेंडिंग, तो आप लोग देख लीजिएगा, देखिए। तो देखिए अभी क्या करेंगे, जहाँ पे टाइमर होगा उस एरिया में थोड़ा 360 बढ़ा के मारेगा आप लोग। तो अभी जो क्वार्टर पैनल है, क्वार्टर पैनल को हम लोग सेंडिंग करेंगे। पहले हम लोग 80 नंबर से सेंडिंग करेंगे, फिर उसके बाद 120 और 180 और 320। तो देखिए सेंडिंग हो रहा है पूरा अच्छा से। तो सेंडिंग प्रोसेस को आप लोग देखिए एक बार, फॉलो कीजिएगा। तो देखिए अभी मास्किंग टेप देखिए, ये क्वार्टर पैनल का लाइन कॉज है, वो भी हम लोग अच्छा से निकाल देंगे, जैसा कि मैंने किया है, आप लोग भी कीजिए। तो देखिए एक बार, तो देखिए कितना अच्छा से क्वार्टर पैनल हमने सेंडिंग किया है। तो आप लोग देखिए अभी लाइन क्रॉस का देखिए इसका कितना अच्छा से निकल जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा से लाइन, इसका लाइन और कॉज है जो आगे आया अभी। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको टाइमर एप्लीकेशन करना जरूरी है। तो उसके पहले आप लोग एक बार देख लीजिए, जहाँ पे हम लोग पुट्टी कटा है, तो देखिए, तो जहाँ पे इसका से सब जगह में पुट्टी डाला है, नहीं इस दरवाजे में हम लोग पुट्टी नहीं डाला, इसमें हम लोग डायरेक्ट टाइमर एप्लीकेशन करेंगे। तो देखिए एक बार फॉलो कीजिए, एम जी एस्टर है, तो इस एस्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे फाइनल फिनिशिंग बोल के। तो देखिए एक बार हर जगह में देखिए, फॉलो कीजिएगा आप लोग, कोई जगह भी इसका छूटा तो नहीं ना। तो ये चीज़ हम लोगों को याद रखेगा आप लोग। तो देखिए कोई जगह पे इसका नहीं छूटा हम लोगों का, तो रेडी है अभी। तो पहले हम लोग जहाँ पे स्टील निकल गया था इस दरवाजा में, तो हम लोग पहले इसमें एपॉक्सी मार रहा है, देखिए पहले हम लोग एपॉक्सी यूज करेंगे। देखिए जब भी अभी स्टील निकल गया वहाँ पे हम लोग एपॉक्सी यूज करेंगे। तो इसका बाद इस सूखने का बाद हम लोग इसमें टाइमर एप्लीकेशन करेंगे हर जगह पे। तो ये टाइमर है, ये टू के टाइमर है, इसमें भी दीजिएगा 510 HS टाइमर, बहुत ही अच्छा टाइमर है इसमें भी दीजिएगा। तो देखिए जब जब पुट्टी एप्लीकेशन किया है, डायरेक्ट टूपी पुट्टी का ऊपर एनसी टाइमर नहीं चलेगा, वो टूबे पैमर चाहिए। तो ये एसी टूबी का टूबे पैमर है, देखिए। तो इस दर जब देखिए पुट्टी उत्ती हम लोग पुट्टी लगाया है, उनको सैंडिंग अच्छा से किया, इसलिए हम लोग इसमें पुट्टी का जरूरत नहीं है। तो हर जगह में अभी टाइमर को दो फुट में हम लोग मेकअप कर देंगे। तो हर जगह में हम लोग दो फुट में मेकअप कर देंगे। तो आप लोग देखिए टाइमर एप्लीकेशन फाइनल हो रहा है अभी। तो जैसे अगर मैंने किया है, आप लोग भी कीजिएगा। तो आप लोगों को मेरा जो टाइमर का प्रोसेस है, आप लोगों को कैसा लगा वो कमेंट में जरूर बताइए आप लोग। तो अभी देखिए दो गप में मेकअप हो जाएगा फाइनल। देखिए फाइनल को दौड़ा है टाइमर। तो टाइमर को हम फाइनल को मरेंगे अभी। तो टाइमर हम लोगों का कंप्लीट है फाइनल, टू बोर्ड में मेकअप कर दिया हमने। तो देखिए टाइमर कैसा मानना चाहिए, तो आप लोग एक बार आप लोगों को दिखा दिया अच्छा से।
तो अभी क्या होगा, अभी इसको सूखने दीजिए, ड्राई होने दीजिए। ड्राई होने के लिए आप लोगों को 30 मिनट चाहिए टाइम। तो इसको ड्राई होने दीजिए। ड्राई होने के बाद आप लोग इसमें ड्राई सेंडिंग करेंगे हम लोग फाइबर को। इसके बाद हम लोग ड्राई सेंडिंग करेंगे। तो देखिए एक बार फॉलो कीजिए। तो देखिएगा अच्छा से। हम लोगों का मेकअप है तो अभी सैंडिंग करेंगे इसमें। तो सैंडिंग करेंगे 400 नंबर गोल्ड सिल्वर से। सैंडिंग भी हो गया 400 नंबर गोल्ड सिल्वर से। और जब जावे कलर है वो अभी हम लोग 1000 नंबर देके सैंडिंग की करेंगे। 1000 नंबर देके फाइबर को 400 नंबर देके सैंडिंग कीजिए। जहाँ पे है वहाँ पे आप लोग 1000 नंबर पेपर से सैंडिंग कर दीजिए। तो देखिए एक बार फॉलो कीजिए। तो इसमें वाली अभी हम लोग अभी टेपिंग करेंगे। तो देखिए प्राइमर सब कंप्लीट है। तो अभी इसमें हम लोग टेपिंग का प्रोसेस करेंगे। तो अभी क्या करेंगे, इसमें ओपी सोल से ढक देंगे। देखिए बल्कि पूरा ओपी सोल से अच्छा से ढकिए। ओपी सोल से ढकने से क्या होगा, आप लोगों का काम जल्दी होगा और टाइम कम लगेगा। देखिए जैसे कि मैंने किया है आप लोग भी कीजिएगा। हर जगह में आप लोग अच्छी सेंडिंग कीजिए। कोई जगह भी आप लोगों को छूटना नहीं चाहिए। जैसे कि मैंने किया है आप लोग भी एप्लीकेशन कीजिए इसमें फाइबर को। तो देखिए अच्छे से फॉलो कीजिए। तो टेपिंग को आप लोग देख के कीजिए। कोई जगह पे छूटना नहीं चाहिए टेपिंग। आप लोगों को दिखाएंगे फाइनल टेपिंग। तो देखिए टेपिंग को आप लोग फॉलो कीजिए। टेपिंग फुल को फॉलो कीजिए। हर जगह में हम लोग देख के अच्छा से टेपिंग करिए किया है। देखिए तो टेपिंग मेरा कंप्लीट है। तो देखिए एक बार टेपिंग कंप्लीट है। तो टेपिंग मैंने अच्छा से कर दिया है। तो आप लोग भी टेपिंग अच्छे से कीजिएगा। तो देखिए देख के जहाँ पे सब जगह में कंप्लीट है। अभी होगा कलर का प्रोसेस। तो कलर का पहले आप लोग एक बार सोल्यूट पीस से आप लोग गाड़ी को क्लीन कर लीजिए। देखिए सोल्यूट पीस से अच्छा से क्लीन कीजिए। सोल्यूट पीस से क्लीन नहीं करने से आप लोग कलर मत करिएगा। तो कलर अच्छा नहीं होगा, ऑरेंज खिला जाएगा, कलर छोड़ देगा, पीन हो जाएगा। और क्लीन करके मारेंगे आप लोग सोल्यूट पीस से तो आप लोगों का कलर कोई भी खराब नहीं होगा। तो अच्छे से क्लीन कर देता है आप लोगों का हाथ का घाम, कुछ भी ऑयल वगैरह कुछ लग गया तो क्लीन हो जाएगा ये सोल्यूट पीस से। तो देखिए तो अभी करेंगे हम लोग इसमें कलर एप्लीकेशन। तो देखिए टैक पैक मार रहा है हम लोग। टैक पैक से जितना डस्ट है वो भी चला जाएगा। तो देखिए टैक पैक मार रहा है हम लोग। तो अभी कलर मारेंगे। तो देखिए पहले हम लोग जहाँ पे टाइमर है उस जगह में कलर को कवर करेंगे। तो इसमें क्या होगा, इससे आप लोग का कलर कम लगेगा। तो कम कलर में आप लोगों को मेकअप करना चाहिए। तो पहले आप लोगों को टाइमर का जगह मेकअप करना चाहिए। देखिए तो देखिए हमने 200 ग्राम कलर में पूरा एक साइड मार दिया। तो पूरा पहले कलर का प्रोसेस देखिए आप लोग। एक एक प्रोसेस दिखाएंगे कलर के कलर में। तो देखिए कोई स्केच अभी जो कंप्लीट रहता है ना आप लोग, ये स्केच का आप लोग डायरेक्ट पेपर से घस के आप लोग पुट्टी लगा के कर देते हैं, लेकिन कलर के बाद कुछ फूल जाता है ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए आप लोग एक बार देखिए फॉलो कीजिए। इसमें कुछ नहीं कंप्लीट आएगा आप लोगों को। तो देखिए खास करे तो देखिए कलर अभी नहीं सूखेगा क्योंकि एकोवेलेंस कलर है। स्मार्ट जो स्मार्ट डायर है इससे ईयर रहता है। ईयर जाके जब कलर मिलाएगा तो कलर सूख जाएगा। देखिए सूख रहा है ईयर। देखिए तो थोड़ा टाइम दीजिए, 5 से 7 मिनट टाइम दीजिए। तो देखिए ड्राई हो गया है। अभी हम लोग क्या करेंगे इसमें, इसमें हम लोग कलर एप्लीकेशन करेंगे। देखिए तो देखिए फाइनल कलर हो रहा है अभी।
तो जैसे अगर मैंने फाइनल प्लेयर जिसने आप सिलेक्शन किया है, आप लोग भी कीजिएगा। सब लोग भी हर जगह में देख के कीजिएगा कलर। तो कलर कैसे हुआ आप लोग कमेंट में जरूर बताइए हमको। तो देखिए फाइनल कलर कंप्लीट हो रहा है। टोटल कलर आप लोगों को हाई कोर्ट में मेकअप करना चाहिए। इसके बाद और एक कोर्ट होगा, वो है हाफ कोर्ट होगा। तो देखिए फाइनल कलर हम लोगों का कंप्लीट हो रहा है। तो इसको भी आप लोग थोड़ा टाइम दीजिए सूखने के लिए, 5 से 7 मिनट टाइम दीजिए कलर सूखने के लिए। इसमें डैम से ये भी सूख जाएगा, एकदम फाइनलाइजिंग हो जाएगा। देखिए तो सूख गया है कलर। तो देखिए एक बार फॉलो कीजिए, कलर सुनने के बाद कलर सब कुछ मैचिंग भी हो गया। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, इसमें कंट्रोल कोड देखिए, कंट्रोल कोड माने हाफ कोड, पूरा कलर पीछा कमा के थोड़ा दूर से मारिए आपको दाना जैसे, दाना जैसे शुरू कर दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए दाना जैसे उड़ा दीजिए। तो हर जगह में कलर को दाना जैसा उड़ा के कम्प्लीट कर दीजिए। तो हम लोगों का कलर का जो प्रोसेस है वो कम्प्लीट है। तो कम्प्लीट होने के बाद अभी क्या चाहिए हम लोगों को, इसमें क्लियर एप्लीकेशन। तो क्लियर बढ़ेंगे एशियन पीजे का क्लियर। तो देखिए एशियन पीजे का क्लियर है, पहले हम लोग साइड में कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद आप लोग पूरा फिंगर पे एक बार एक कोट मार दीजिए। देखिए तो देखिए फाइनल में एक कोट मार रहे हैं हम लोग। तो देखिए एक बार फॉलो कीजिएगा। सारी जगह में हमने इसमें कलर क्लियर जो है क्लियर टू कोट में मेकअप चाहिए। ठीक है तो देखिए जैसे करके मैंने क्लियर एप्लीकेशन किया है, तो आप लोग भी क्लियर ऐसा करके एप्लीकेशन कीजिए। आप देखिए आप लोगों का गाड़ी मेरा गाड़ी नया जैसा हुआ कि नहीं हुआ वो आप लोगों को बताना पड़ेगा कमेंट में। तो आप लोगों को कैसा लगा काम एक बार अच्छे से देखिए आप लोग फॉलो कीजिएगा। तो क्लियर मानने का प्रोसेस देखिए, टू कोट में क्लियर मेकअप होना चाहिए। तो देखिए क्लियर मार रहे हैं क्वार्टर प्लान पे हम लोग, फाइनल क्लियर नहीं हुआ अभी तक, फाइनल क्लियर होगा इसके बाद। ठीक है क्लियर मारने के बाद थोड़ा 5 मिनट आप लोग मेकअप टाइम दीजिए। तो देखिए अभी फाइनल क्लियर मार रहे हैं हम लोग, अभी जो है फाइनल क्लियर है। देखिए एकदम नया जैसा गाड़ी हो जाएगा, गाड़ी का क्या हालत था अभी क्या बना देंगे हम लोग, देखिए हम लोग फॉलो कीजिए। आप लोग पहले देखा था गाड़ी का हालत कैसा था, अभी नया जैसा हो गया गाड़ी। तो देखिए एक बार फॉलो कीजिएगा क्या अभी फाइनल क्लियर है। कितना अच्छा से क्लियर हो रहा है अभी। तो आप लोगों को कुछ डाउट है तो कमेंट में बताइए आप लोग। तो आप लोगों को कमेंट में हम बताएंगे जो कलर में कौन सा प्रॉब्लम है आप लोगों का। तो इसके बाद देखिए आप लोग फाइनल क्लियर है। तो फाइनल क्लियर का जो प्रोसेस है आप लोग जरूर देखिए। जैसे कि मैंने मारा है आप लोग भी ऐसा करके मारिएगा कलर, जैसे करके मैंने मारा है कलर आप लोग भी ऐसा करके कलर मारिए। कुछ कहना है आप लोगों को, जानना है कलर के बारे में, कुछ कुट्टी के बारे में कुछ जानना है तो कमेंट में बताइए आप लोग, कमेंट करिए। कमेंट में हम लोगों को आप लोगों को जितना कलर के बारे में जानना है सब बता देंगे हम लोग। तो देखिए क्लियर फिनिशिंग हो रहा है फाइनल क्लियर। तो हम लोगों का क्लियर कंप्लीट है फाइनल। तो देखिए एक बार तो देखिए क्लियर हम लोगों का कंप्लीट है। तो आप लोगों का मेरा प्रोसेस कैसा लगा वो कमेंट में बताइए। और देखिए आप लोगों को मेरा काम अच्छा हुआ तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।
तो देखिए इसका अगले बार और वीडियो लेके आएंगे, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। इसके बाद आपने पूछा था बॉडी फिलर बॉडी स्क्रीन कैसे लगाता है, इसका अगला वीडियो आएगा बॉडी स्क्रीन का, तो प्लीज़ तो ज़्यादा से ज़्यादा से आप लोग मेरे चैनल पे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो अगला वीडियो लेके आएंगे, आप किसी को कुछ और वीडियो देखना है तो कमेंट में बताइए जो आपको ऐसा वीडियो देखना है वो भी लेके आएंगे हम लोग। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।